इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। हम बात कर रहे थे कि आज उन लोगों के लिए भी शर्म का मुकाम है जिन्होंने उस वक्त इसराइल को तस्लीम किया। आज उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है, लेकिन सूरत हाल और प्रेशर इतना बिल्ड है कि शायद अब कुछ ना कुछ किसी ना किसी को करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। जी उसामा। सुमैया, देखें, पाकिस्तान ने तो आज तक तस्लीम किया ही नहीं, और ख़ुद श्री मज़ारी साहिबा ने हाल ही में ये बात कही एक जगह पर इस्लामाबाद में ही कि पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव था इसराइल को तस्लीम करने के लिए। लेकिन क्या उन मुल्कों ने जिन्होंने हाल ही में तस्लीम किया इसराइल को, बड़े गले भी मिले, उनसे सिक्योरिटी पैक्ट्स भी कर लिए, कोई उन्होंने इंडिकेशन दिया कि हम इस पर वापस जा रहे हैं? कोई उन्होंने ऐसी बात कही है? कुछ तो कर ले, इतना तो कम अज़ कम वो कर सकते हैं कि उनको कहें कि जनाब ये आप अपना सफ़ीर वापस ले जाएँ, कुछ तो करें वो। ये इनमें इतनी बेहिसी है कि इनको कोई परवाह नहीं है। और आज ये जो एक बना हुआ है, एक दबाव बना हुआ है, कोई माने ना माने लेकिन इसराइल पर एक दबाव है, आज अमेरिका को भी वहाँ पर वीटो करता है। मुनाफ़त देखें, बाद में जाके कहते हैं कि जी हमने सबूत मांगे हुए इसराइल से कि जो बिल्डिंग्स तबाह की गई हैं, चूँकि उनकी अपनी एपी की बिल्डिंग थी जो तबाह हो गई, तो जनाब ये सबूत दें कि यहाँ पर हमास का था, हमें अभी तक कोई सबूत नहीं आए। फिर ये कि जनाब बाइडन तो मुसलसल दबाव डाल रहे हैं, ये दो नंबरियाँ कर रहे हैं सब। तो ये अब देखिए कि इसराइल पर ये जो इस वक्त दबाव है, जब ये खत्म हो गया इन्होंने फिर गले मिल जाना है। नहीं तो उसामा, फिर इसका क्या हाल होगा अब अगर ये इजरायली वजीर आजम का तो करेजा ठंडा ही नहीं हो रहा। वो तो कह रहे हैं कि हम तो बमबारी करते रहेंगे जब तक कि जरूरत होगी। और दूसरा ये कि वो जो जो बयान, हालिया बयान था, वो तो ये था ना कि हमास ने जो रॉकेट फायर किया है, अपनी हद पार की है, रेड लाइन क्रॉस की है, तो वो उनको अपनी रेड लाइन तो नज़र नहीं आती कि उन्होंने किस तरह रेड लाइन क्रॉस की, उन्होंने कितना नाजायज़ तरीके से, गैर कानूनी तरीके से सब कुछ किया, क्योंकि उनकी पुश्त बनाई हो रही है, क्योंकि उनको हिमायत हासिल है ममालिक की। और वो ज़ाहिर है जिस तरीके से जुल्म ढा रहे हैं, रोकने वाला कोई नहीं। अगर आज कोई हल निकलता है तो क्या आपको लगता है कि वो अपने बयान पर, इस मुआहदे पर, जो भी मुआहदा होता है, जो भी इसका हल होता है, उस पर कायम रहेंगे? देखिए, मुझे इसका कोई देर पा फौरी तौर पर तो मुआहदा होता नज़र नहीं आ रहा। देख, चीन भी कह रहा है, तमाम कह रहे हैं टू स्टेट सोल्यूशन, दो रियासतें हों। अब उनको पता है इसराइल को यहाँ से कोई निकाल तो सकते नहीं, लेकिन चलें आप फलस्तीन को इतना अलग रियासत दे दें, लेकिन रियासत का मामला यह है, रियासत का मतलब यह है कि इसराइली अपने फैसले खुद कर सकेंगे, कम अज़ कम उसके बाद ये रियासत होगी। और अब मजीद इसराइल जो है 90% आखिर पर कब्जा करने के बाद बाकी जो 10% रह गए उस पर आप कब्जा ना करें, रियासत बन जाएगी तो उनकी अपनी कोई पुलिस फोर्स होगी, रियासत बन जाएगी तो उनका कोई अपना सेहत का निज़ाम होगा, कोई पानी का, बिजली का, कोई शायद आगे चल के शायद अगर ये इन्होंने इजाजत दी कोई उनकी फोर्स ही बन जाए। आज ना उन बेचारों के पास कोई नेवी है। देखिए, दुनिया की तारीख में शायद ऐसा कोई नहीं होगा। अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस तरह हुमा बकाई साहब ने फरमाया कि ताकतवर तरीन आप मिलिट्री देख रहे हैं इस वक्त, लेटेस्ट वेपन जो दुनिया में किसी के पास हो सकते हैं वो इस वक्त इसराइल के पास है। उनका जो आयरन डोम है वो दुनिया में बेस्ट टेक्नोलॉजी कहा जाता है कि वो प्रोटेक्शन के लिए, एयर डिफेंस सिस्टम, कि कोई भी रॉकेट आएगा तो खुद ब खुद इनके एक्टिव हो जाते हैं मिसाइल और उस रॉकेट को फजा में ही तबाह कर देते हैं। ये लेटेस्ट तरीन है, इसके अलावा उनके पास लेटेस्ट तैयारे हैं, लेटेस्ट नेवी है, सब कुछ है। और यहाँ पर आप यकीन करें, जितना तो ये तालिबान और अमरीका में फर्क था अफगानिस्तान में और उस अमरीका को शिकस्त हुई, ये उससे भी ज्यादा फर्क है। क्योंकि इनके पास तो पत्थर है बेचारों के पास, उनके पास फ्री वेपन्स नहीं, तो बात है ना उसामा, जंग तो तब होती है, दोनों फरीकें लेस होते हैं हथियारों से। ये तो जंग नहीं है ना, ये तो दहशतगर्दी है, इसमें एक फरीक सिर्फ बमबारी कर रहा है, दूसरा फरीक निहत्ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब ये जिस तरह से मैं समझता हूँ, ये जनरल असम्बली का इजलास बुलाना, ये भी एक ना सिर्फ अमेरिका के मुंह पर थप्पड़ है, बल्कि जो जो भी इसराइल का साथ देंगे आप देखेंगे इंशाल्लाह यहाँ पर आवाज़ उठेगी। इसको तो हमें मानना चाहिए कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये काफ़ी नहीं होगी, या हम ये कहें कि इससे इसराइल रुक नहीं रहा, मगर उसके खिलाफ आप देखिए कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चले गए हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो ये उसके ऊपर एक प्रेशर इंटरनेशनली ज़रूर बिल्ड हो रहा है। और अल्लाह करे कि प्रेशर बिल्ड होता रहे। और जिस तरह से तुर्की कह रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान ने इसका इशारा भी दिया है कि एक इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स हो,
और यहां तक कह रहे हैं तुर्की ऑफर कर रहा है कि जो हम ख्याल ममालिक हैं इस्लामी ममालिक वो इस पर आगे बढ़े। तैयब उर्दवान रूस से इस पर बात कर चुके हैं, तो ये एक जरूर बहुत बड़ा इनिशिएटिव हो सकता है। अगरचे अभी ये बिल्कुल एक ख्याली बात लग रही है, लेकिन अगर यूएन की पीस कीपिंग फोर्स हो सकती है तो एक इस्लामी ममालिक की इस तरह क्यों नहीं बन सकती। ओआईसी तो खैर बनने नहीं कभी देगा, ये तो मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं, लेकिन अगर तुर्की इसका इनिशिएटिव ले रहा है, वो इसके लिए मिलिट्री भी और फाइनेंस भी प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, तो पाकिस्तान साथ आ जाए, मलाशिया साथ आ जाए, आप यकीन करें इसी से इसके इसराइल के पांव हिल जाएंगे इंशाल्लाह कि जनाब ये फोर्स। लेकिन वो मसला आ जाएगा फिर हमसायों का, क्या लबनान इजाजत देगा हमने यहां से क्या डायरेक्ट टू ट्रूप्स जाकर फेंक देने, मिस्र क्या कर रहा है, लबनान क्या कर रहा है, उर्दन क्या कर रहा है, वो तो उसके पहले गुलाम बने हुए हैं, हाथ जोड़ के इसराइल के आगे बैठे हुए कि जो आप कहेंगे जनाब, वो तो बॉर्डर तक नहीं खोलते फलस्तीन के लिए, इसराइल की इजाजत के बगैर वो तो बॉर्डर भी नहीं खोलते कि इन फलस्तीनियों को इमदाद ही पहुंच जाए, कि इन तक कोई चीज ही पहुंच जाए, वो भी उसके गुलाम है वहां पर, वहां तो यह हाल है, तो किससे बंदा उम्मीद रखे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जमील, ये जो ट्यूशन है कि जी दो टुकड़े कर दिए जाएं और इस तरह से हुकूक मिल जाएंगे, 47 में भी ये बात हुई थी, उस वक्त तो यहूदियों ने इसकी हिमायत की, अरबों ने इसकी मुखालफत की, तो इसलिए इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। उसके बाद फिर दोबारा इस पर बात की गई, फिर दोबारा कुछ नहीं हो सका, आज फिर वही सोलूशन पेश किया जा रहा है, यानी कि सोलूशन वही है कि टू स्टेट्स हों। लेकिन अगर यही सोलूशन होना था तो ये तो पहले भी हो सकता था, ये तो 100 साल पुराना मामला है, लेकिन नहीं हुआ। हर दफ़ा एक नए तरीके से ये मामला उठता है, शिद्दत आती है, सब बात करना शुरू होते हैं, फिर ये मामला दब जाता है, फिर सब खामोश हो जाते हैं, यानी कि कोई हल तलाश करना चाहता ही नहीं है। शायद दुनिया चाहती है कि ऐसे ही सब कुछ चलता रहे जिस तरह चल रहा है, और बस ठीक है फिर कुछ एक आध मजम्मत देंगे, एक आध करारदाद पेश कर देंगे और मामला ख़त्म हो जाएगा। देखें जी, हल तलाश करना मकसूद ही नहीं है, अगर हल तलाश करना मकसूद हो तो गुज़िश्ता 100 साल से मामला क्यों होता, और इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट जो है 1948 से ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि जब इज़राइल को एक रियासत के तौर पर कायम किया गया तो उसके बाद से ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन उसके बाद कितनी दफ़ा इज़राइल ने गज़ा की पट्टी के ऊपर बमबारी की, कितनी दफ़ा टेररिस्ट अटैक किए, हमारे यहाँ तो लफ्ज़ टेररिस्ट इस्तेमाल करते हुए 10,000 दफ़ा सोचा जाता है, मैं तो हैरान हूं कि उसको इतना बैन बयान किया जाता है कि आपकी सोच है, मतलब वो कॉन्फ्लिक्टेड जोन कहा जाएगा, ऑपरेशन जैसा लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, इसके अलावा वो तमाम जुमले जो बोले जाने चाहिए और बिल्कुल बराह रास्त बोले जाने चाहिए वो नहीं बोले जाते, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह अभी हमें इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, बल्कि हमारे अगर कोई सीनियर आकर बैठते हैं तो उनसे पूछें कि ये 27 रमजानुल मुबारक यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का फ्रस्ट्रेशन अब सारी हदें पार कर चुका है, और अब ये इस तरीके के डायलॉग मार रहे हैं कि कब इसका कलेजा ठंडा पड़ेगा, मतलब इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की बात कर रहे हैं, नेतन्याहू का कलेजा कब ठंडा पड़ेगा और कितने बम मारेगा, ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं दोस्तों पाकिस्तानी। तो गाइज़ आपको बता दें कि पाकिस्तान ने बड़े ज़ोर शोर से बताया था हमारे पास बम है, हमारी मिलिट्री पावर ये वो फलाना ठिकाना, आपने देखा। अब हुआ ऐसा कुछ कि पाकिस्तान की मिलिट्री आर्मी या जो भी इनका जो भी कुछ है, टर्की ईरान सबकी हवा निकल गई, ओआईसी के सम्मिट के बाद सब ने हाथ खड़े कर दिए, किसी की दम नहीं पड़ रही है कि एक 65-70 लाख की आबादी तो उनकी 80 लाख है, लेकिन उसमें 10 लाख मुस्लिम भी हैं वाले देश से तुम किसी तरीके से लड़ सको, ये कहानी बन चुकी है। और ये ऑटोमन एम्पायर, ये फलाना ठिकाना, हमने इतनी हुकूमत की, ये वो, ये डायलॉग मारते फिरते हैं ये लोग, इनकी यही आदत है, अभी तो इनकी कोई हिम्मत नहीं पड़ रही है। जाओ ना, ले जाओ अपने फाइटर जेट, लगाओ मिसाइल का निशाना और बोलो इसराइल को कि हम तुम्हें मार देंगे। अगर ये इतना भी बोल देना कि हम इसराइल पर अटैक करने वाले हैं पाकिस्तान, तो उससे पहले इनका काम डल जाएगा, उससे पहले इसराइल इन पर अटैक कर देगा, इनको भी पता है। तो इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तानी मीडिया में जो बातें हो रही हैं कि मानवता के आधार पर ये वो फलाना ठिकाना रहे, मानवता के आधार पर तुमने भी तो जेरूसलम में अटैक किया था, ऑटोमन एम्पायर की बात करते हो, ऑटोमन एम्पायर ने उनका जो पवित्र स्थल था वो तोड़ा था, ये तो तुम मानवता की बात करो ही ना, जिस देश में गए हो उस देश के पवित्र स्थल तोड़ के तुमने अपना पवित्र स्थल बनाया है, ये हिस्ट्री है तुम्हारी। आज उनके पास पावर है तो वो ऐसा करेंगे, अब इसमें रोने की कोई बात नहीं है, पावर जिसके हाथ में रहेगी वो ऐसा करेगा। और दुनिया तुम्हारे साथ क्यों नहीं खड़ी, क्योंकि तुम विक्टिम कार्ड बस खेलते हो हमेशा। दोस्तों ओआईसी की समिट में एक अरब देश भी कुछ ना कुछ इसराइल के ख़िलाफ़ बोले, लेकिन उन्होंने ये भी बोल दिया कि
इस मुद्दे को फिलिस्तीन के लीडर और इसराइल के लीडर पॉलिटिकली सॉल्व कर लें। मतलब देखिए, होगा तो फाइनली कुछ नहीं, सीज़फायर वॉयलेशन जो कर रहा था हमास वो उस पर ही कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो जो इन्होंने दो चार पत्थर और जो रॉकेट 2500 रॉकेट चलाए हैं उसका बदला इसराइल इतना